सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हम लोग इकोलॉजी का सेकंड सेशन शुरू करते हैं। कल हमने जहाँ पे ड्रॉप किया था वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, बट नेटवर्क ब्रेकेज के कारण एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज यहाँ से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी का पूरा जो टर्म है उसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी का आज से डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें कंटेंट क्या जाएगा, द मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी, लिख लीजिए इसको आप लोग अपने नोट कॉपी में। द मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी R6, टोटल नंबर जो है वो 6 में डिवाइडेड है। इसमें से अब एक एक को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल, सेकेंड है पॉपुलेशन, थर्ड है कम्युनिटी, सो बेसिक 6 हैं टोटल। बट पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद फर्दर जो इसके आगे आते हैं उसको भी एक एक करके हम लोग समझते हैं, क्योंकि कम्युनिटी को थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल का आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन इन द इंडिविजुअल लेवल ऑफ इकोलॉजी, सो इसमें लिखिएगा आप लोग, ऑर्गेनिज्म इन द इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म इन द इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनिज्म आर इन द इंडिविजुअल लेवल एग्जिस्ट एज इंडिविजुअली, एग्जिस्ट एज इंडिविजुअली। मीन्स दे हैव द एबिलिटी, मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट, एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट एज, एक्ट और फंक्शन एज इंडिपेंडेंटली। अब इंडिविजुअल में वो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, इस इंडिविजुअल लेवल ऑफ इकोलॉजी में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो इंडिपेंडेंट नेचर में होंगे, इंडिपेंडेंट नेचर में होंगे। इसमें फंगी हो सकते हैं, जितने भी माइक्रोब्स होंगे वो सब इसमें आएंगे। पॉपुलेशन वाले में लिखिएगा, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन वाले में लिखिएगा, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पेशीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, ऑक्यूपाई अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, अब पॉपुलेशन इकोलॉजी में ऑब्वियसली बात है ह्यूमन का आप ले सकते हैं, सोसाइटी एंट का सोसाइटी, इसमें एंट के एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, एंट का जो सोसाइटी होता है आप लोग को शायद ये पता है या नहीं है, ये याद रखिएगा, इकोलॉजी में हर प्राणी अपना अपना सोसाइटी, अपना अपना एक पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है क्रिएट करके अलग अलग इन्वायरमेंट में, उसमें से एंट भी HET भी है। उसी तरीके से अगर आप एक्वेटिक में देखें तो फिशेज़ का भी होता है,
फिशेस का अपना पॉपुलेशन इकोलॉजी में लेवल हम लोग को देखने को मिलता है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या है, ग्रुप में कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज ग्रुप में एग्जिस्ट करेगी, नेक्स्ट कम्युनिटी आता है। तो कम्युनिटी का क्या लिखिएगा आप लोग, लिखिए इन दिस लेवल, इन दिस लेवल टू और मोर देन टू टाइप ऑफ स्पीशीज, टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज, टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज मेक अ कोलाइडल फॉर्म इन विच ऑल ऑफ देम आर डिपेंड ऑन ईच अदर। तो कम्युनिटी में क्या होगा, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे मल्टी लेवल पे स्पेशीज एग्जिस्ट करेगी, स्पेशीज एग्जिस्ट करेंगी। अब टाइप्स इसके कम्युनिटी का, अब टाइप्स आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद क्योंकि कम्युनिटी के दो टाइप यहाँ पे आएंगे, इसके बाद फर्दर जो सिक्स लेवल में से रेस्ट जो थ्री लेवल है उसको डिस्कस करेंगे। सो इसमें शॉर्ट एक लिख लीजिएगा, टाइप ऑफ कम्युनिटी लेवल ऑफ इकोलॉजी। अब टाइप ऑफ कम्युनिटी लेवल ऑफ इकोलॉजी में फर्स्ट टाइप आएगा, लिख लीजिए इसको मेजर कम्युनिटी, एंड सेकेंड वन माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी, सेकेंड माइनर कम्युनिटी। मेजर का लिख लीजिए, मेजर कम्युनिटी में दीज आर लार्ज साइज्ड, दीज आर लार्ज साइज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, दे आर लार्ज साइज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है जो हिट आप लोग अंडरलाइन करिएगा इसमें, मेजर टाइप ऑफ कम्युनिटी में दे डिपेंड ओनली ऑन द सन एनर्जी। तो मेजर कम्युनिटी में क्या आएगा, दो इंपॉर्टेंट बात आएगा, पहला है इनका साइज जो होगा वो बड़ा होगा, मेजर कम्युनिटी में इनका साइज जो होगा लार्ज होगा, साइज होगा लार्ज। और दूसरा चीज़ क्या है, इनका डिपेंडेंसी सोलर पावर पे हमें देखने को मिलेगा, मतलब सन एनर्जी, फोटोजेनिक जितनी भी पावर है उसको लेकर के वे ग्रोथ करेंगे। तो अब जब सन का एनर्जी लेकर हम बात कर रहे हैं किसी स्पेशीज का, तो वो हमें सिर्फ एग्जांपल में एक ही चीज़ समझ में आता है, वो प्लांट कम्युनिटी होगा। तो एग्जांपल में लिख लीजिएगा, जितने भी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जितने भी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो सब मेजर कम्युनिटी में आएगा। तो एग्जांपल में लिख लीजिएगा, ऑल एवर ग्रीन फॉरेस्ट, ओके। माइनर में लिख लीजिएगा, दीज आर डिपेंड ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज, दीज आर डिपेंड ऑन, माइनर में लिखिएगा दीज आर डिपेंड ऑन अदर कम्युनिटीज एंड दीज आर डिपेंड ऑन अदर कम्युनिटी एंड ऑफन कॉल्ड सोसाइटी। सेकेंड टर्म होगा, इन्हें सोसाइटी के वर्ड से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। सो माइनर कम्युनिटी में इसमें लग सक लिख दीजिए एग्जांपल, लाइकन ऑन काउडंग, जिस तरीके से काउडंग पे किस तरीके जो लाइकन हमें देखने को मिलता है, लाइकन भी एक तरीके का क्या ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट किंगडम में आ रहा है, बट वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर है, तो काउडंग के ऊपर है, और उसी काउडंग के ऊपर डिपेंड होकर वो अपना सर्वाइवल कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब सवाल यही है ना कि अगर काउडंग की नहीं होगा तो फिर लाइकिन का वहाँ पे जो जनरेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे माइनर में ये चीज़ याद रखिएगा,
नेक्स्ट आएगा बात अपना इकोसिस्टम का। सिक्स लेवल पे बात की है तो फर्स्ट इंडिविजुअल, सिक्स लेवल पे बात की थी तो फर्स्ट अपना इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पे बात की, पॉपुलेशन पे बात की, कम्युनिटी पे बात की। अब अपना फोर्थ नंबर आता है इकोसिस्टम, फोर्थ नंबर अपना आता है इकोसिस्टम। देखिए इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होगा, लिख लीजिए द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें क्या लिखिएगा द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एबायोटिक प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स विद देयर एबायोटिक कंपोनेंट। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स विद देयर एबायोटिक कंपोनेंट इज जनरली सेज एज इकोसिस्टम। एग्जाम्पल में इकोसिस्टम में आप एक्वेटिकल एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल में एक्वेटिक का लिख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एरियल का लिख सकते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एरियल। एक्वेटिक में जितने भी आपके फिशेज हैं उनका इकोसिस्टम अलग है, उनका डिपेंडेंसी जितने भी एक्वेटिक फ्लोरा है उस पर है, टेरेस्ट्रियल पे जितने भी एनिमल्स हैं वो आएंगे, उनका डिपेंडेंसी जितने भी प्लांट हैं उन पे है, एरियल पे जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ आपको समझना है। नेक्स्ट अगर बात करें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो कल मैंने इस पर डिस्कस कर लिया था एक टॉपिक, बट आज थोड़ा इलैबोरेट इसको कर देते हैं। तो इकोसिस्टम के देखिए मेजर कुछ कंपोनेंट हैं, लिख लीजिए ओवरऑल देयर आर वन टू, ओवरऑल देयर आर टू मेन फैक्टर या टू मेन कंपोनेंट। कल डिस्कस तो कर चुके थे एबायोटिक इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो उसमें दो होगा, बट इसको आज इलैबोरेट कर दे रहे हैं। एबायोटिक इसमें लिख लीजिएगा एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, सबस्ट्रैक्टम, अदर सच काइंड ऑफ मटेरियल्स, एंड लास्ट है लैटिट्यूड प्लस एल्टीट्यूड। वेदर बायोटिक में आप लोग लिख लीजिएगा, बायोटिक में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, फर्स्ट होगा यहाँ पर, ये सेकेंड में होगा कंज्यूमर, थर्ड होगा माइक्रो कंज्यूमर, या इसको मैक्रो पहले लिख लीजिए, मैक्रो कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर। उसके बाद इसको कंपाइल करके हम लिखवा दे रहे हैं, फोर्थ में इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि कंज्यूमर का ही ये दो फैक्ट है, इसी के ये दो, बट फिर भी इसको लिखवा दे रहे मैक्रो माइक्रो, ठीक है। नेक्स्ट ये तो हो गया, देखिए पहला चीज क्या है इसमें, आप जितने भी
अभी जुड़े हुए हैं या जो लाइव अभी देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है अगर पॉसिबल है तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को, इस लाइव वीडियो को, लाइव टेलीकास्टिंग को हो सके तो शेयर करिए, क्योंकि अभी डे बाय डे क्लास लगेगा। मैं आपसे पहले भी रिपीट किया हूँ, जब जेन्युइन कंटेंट आपके पास अब अवेलेबल है तो कोशिश कीजिए इस चीज़ को थोड़ा जनहित तक पहुँचाया जा सके। और मुझे उम्मीद है शायद आप लोग ऐसा करेंगे, लाइव जब चल रहा होगा अगर आप उस समय शेयर करेंगे सो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जो बच्चे हैं लेट नाइट बैचेस को ऑब्जर्व करते हैं वो उन चीज़ों को देख करके इसके बेनिफिट को उठा पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी जुड़े हुए हो सके सो अपने किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस लाइव टेलीकास्टिंग को शेयर जितना हो सकता है आप लोग करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो शायद ये हमारे लिए बेहतर होगा। देखिए तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में बायोटिक, एबायोटिक कल डिस्कस हो चुका था। एबायोटिक में देखिए पूरा एबायोटिक कंपोनेंट में इकोसिस्टम को चलाने में एबायोटिक का जितना भी रोल होता है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने हैं। अब देखिए जैसे इकोसिस्टम चल रहा है, इकोसिस्टम में प्लांट्स, एनिमल, इन सभी के बीच का रिलेशन से जो एक पूरा एनवायरनमेंट जो एस्टैब्लिश है, इस एनवायरनमेंट में पहला चीज़ हमें क्या देखने को मिलता है कि एनर्जी का सबसे बड़ा रोल है। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड प्रिपेयर नहीं करेगा, फूड प्रिपेयर नहीं होगा तो फ्रूट्स जनरेट नहीं होगा, फ्रूट्स नहीं होगा तो शायद उस फ्रूट्स का कंजम्पशन कोई अदर एनिमल नहीं कर सकता, एनिमल नहीं करेगा तो फिर स्पेशीज ही नहीं रहेगा। सो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इसकी शुरुआत होती है सन से, फोटोजेनिक एनर्जी की टर्म से इसकी शुरुआत होती है। अब सन की एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। सो एनर्जी का ओवरऑल साइकिल कुछ ये है। रेनफॉल, रेनफॉल पे अगर आप बात करके देखिए, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट के एक माइनर एक टर्म है। अब रेनफॉल में क्या है, बारिश ही नहीं होगा तो फिर पेड़ कहाँ से उगेगा। आप खुद सोच करके देखिए, जो अगर दूर सुदूर इलाके में जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे रहते हैं, तो आप लोग अपने एनवायरमेंट को देख करके समझिए, जो एक ऑफ आर इलाके में आप लोग जो रह रहे हैं जहाँ पे शायद वेजिटेशन कम है, उस जगह का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एनुअल प्रेसिपिटेशन कम हो रही है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या है टर्म यहाँ पे, ओवरऑल टेम्परेचर का यहाँ पे आपको समझना क्या है, एक्सेस ज़्यादा अगर एक्सेस होता है इकोसिस्टम में, टेम्परेचर का एक्सेस अगर हमें देखने को मिलता है तो भी दिक्कत, लो होगा तो भी दिक्कत, तो टेम्परेचर मॉडरेट होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली बात है हर इकोसिस्टम के लिए एटमॉस्फेयर रेलिवेंट होनी चाहिए। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो टुंड्रा इलाके में, ठीक है, शीत क्षेत्र के इलाके में वो गुजर बसर करते हैं। अब उनके एटमॉस्फेयर में अगर आप ट्रॉपिकल के फैक्टर को, उष्णकटिबंधी के अगर प्रकोप को वहाँ पे अगर आप लाने की कोशिश करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के तहत, तो क्या होगा, एक तो ग्लेशियर पिघलेगा, उनका इकोसिस्टम बर्बाद होगा, फिर पूरा संपूर्ण पृथ्वी सर्वनाश के क्षेत्र पे बढ़ेगा। तो एटमॉस्फेयर देखिए हर जगह का अलग है, अलग अलग हिसाब से अलग अलग इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप कर रहा है। अब किसी जगह का, एक जगह का जैसे एंटार्क्टिक का एटमॉस्फेयर बदल रहा था, वो चीज़ नेगेटिव है। अभी कुछ दिन पहले आपने करेंट अफेयर में पढ़ा होगा कि एंटार्क्टिक के मतलब पूरे इसमें एक बहुत बड़ा दरार आ चुका है, ठीक है। सो ये है, अभी जो भी जुड़े हैं आप सभी का वेलकम है, जो इस लाइव को देख रहे हैं, जो रिसेंटली जुड़ रहे हैं, और बहुत खुशी हो रहा है कि आप सभी इस लाइव टेलीकास्ट से जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट है सबस्ट्रैक्टम, सबस्ट्रैक्टम मतलब क्या, जमीन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जमीन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल भी मायने रखता है। अब सवाल क्या है, वो पार्टिकल इम्पॉर्टेंस कैसे रहेगा। सपोज करिए कुछ कैल्शियम्स के पार्टिकल हैं, आयरन के पार्टिकल हैं, फॉस्फोरस के पार्टिकल हैं, सोडियम के पार्टिकल हैं। अब वो पर्टिकुलर अमाउंट में किसी अगर सॉइल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर प्लांट उसको अपने जाइलम टिश्यू से एब्जॉर्ब क्या करेगा। आप सभी ने पढ़ा है जाइलम, अगर साइंस का जब पोर्शन शुरू होगा तो बताएंगे जाइलम फ्लोएम टिश्यू क्या होता है। आप में से किसी को अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू का मतलब क्या होता है। जिनको भी पता है कमेंट में करके आप खुद बताएं, आपके नाम को लेकर के यहाँ पे मैं बताऊँगा फिर जिनका सही होगा। नेक्स्ट है मटेरियल, मटेरियल अलग अलग मटेरियल, देखिए यहाँ पे मटेरियल कोई पर्टिकुलर एक चीज़ पे नहीं कह रहा, मटेरियल यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। जनरली रिलीफ को लेकर यहाँ पे कह रहा है मटेरियल। लास्ट है लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड, देखिए नाम सिमिलर जैसा लग रहा है लेकिन सिमिलर है नहीं। लैटिट्यूड
एल्टीट्यूड को समझना है तो एक सीधी सी बात है, आप इसको ऐसे समझें, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ में इस तरीके के जितने भी लाइन आपको दिखेंगे, ये सब लैटिट्यूडनल लाइन है। ये लैटिट्यूडनल लाइन है, जबकि अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? सी लेवल से, सी लेवल से हाइट, याद रखिए अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड इसको कहेंगे, ठीक है। बहुत तो बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है, ज्योग्राफी का जब ये क्वेश्चन शुरू होगा लाइव तो उसमें आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का भी मेजर एक जो डेफिनेशन होता है वो हम आपको बता देंगे। बेसिक आप ये याद रखिए कि पोल से जो लाइन कनेक्ट हो रहा है लॉन्गिट्यूड है, और पैरेलल जो लाइन हमें देखने को मिल रहा है हॉरिजॉन्टल, वो सभी लैटिट्यूडनल लाइन है। तो लैटिट्यूड, अब सवाल ये है कि इकोसिस्टम लैटिट्यूड के ऊपर असर पड़ेगा कैसे? भूमध्य रेखा इक्वेटर से आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इन्वायरमेंट बदलना शुरू करेगा, और इक्वेटर से जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पे भी सेम इन्वायरमेंट बदलेगा, जैसे ऊपर होगा वैसे ही सेम नीचे होगा। तो इक्वेटर से जैसे ऊपर जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल इलाका, और ऊपर जाएंगे तो सब पोलर इलाका, और सबसे ऊपर जाएंगे तो पोलर इलाका, वही चीज़ नीचे यहाँ पे सब ट्रॉपिकल फिर सब पोलर फिर पोलर। नेक्स्ट चलिए, तो लैटिट्यूड हो गया, अल्टीट्यूड हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो ऑब्वियसली बात है जो इकोसिस्टम है उसमें असर पड़ेगा। अब बायोटिक पे अगर हम बात करें, बायोटिक पे पहला है प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? जितने भी आपके स्मॉल प्लांट्स हैं, ठीक है, और यह मान के चलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर में आप इसको प्लांट किंगडम सीधे तौर पर आप इसको लिख दीजिए, प्लांट किंगडम, यहाँ जितने भी प्लांट किंगडम है सब प्राइमरी प्रोड्यूसर के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब कंज्यूमर कौन होंगे? तो याद रखिएगा कंज्यूमर यहाँ पे जिनकी बात की जा रही है वो सारे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब कंज्यूमर सेकंड कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो सब इसमें आएंगे, और मैक्रो में मैक्रो और माइक्रो थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करके लिखवा दे रहे हैं, माइक्रो का लिख लीजिएगा। मैक्रो कंज्यूमर में द फीड ऑन प्लांट और एनिमल और बोथ, मैक्रो में लिख लीजिएगा, थोड़ा इसमें सभी को कन्फ्यूजन होता है, तो दे फीड ऑन प्लांट एनिमल और बोथ, इसमें हर्बीवोरस आ जाएंगे, इसमें हर्बीवोरस भी आ जाएगा और ओमनिवोरस भी आ जाएगा, ठीक है। और माइक्रो में, माइक्रो का आप लोग लिख लीजिए, माइक्रो में दे आर इन दिस सेक्शन ऑल बैक्टीरिया फंगी, ऑल बैक्टीरिया एंड फंगी किंगडम टेक देयर प्लेस, ठीक है, माइक्रो में ये आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये तक अपना डिस्कशन कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने कितना देखा, फिर से एक बार रिपीट कर ले, तो ऊपर हमने बात किया
इंडिविजुअल का, पॉपुलेशन का, कम्युनिटी का, तीन इधर हो गया। नेक्स्ट है कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम चार्ट। अब इकोसिस्टम के बाद हम लोग बात करेंगे इको टोन। इको टोन तो सबसे पहले बेहतर यही होगा इको टोन का डेफिनेशन आप लोग लिख लें, उसके बाद फिर इसको आगे समझें। इको टोन इज द जोन ऑफ जंक्शन। व्हाट इज इको टोन? तो इको टोन इज द जोन ऑफ जंक्शन, जोन ऑफ जंक्शन वेयर टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मेक द डाइवर्सिटी, वेयर टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मेक डाइवर्सिटी। देखिए इकोटोन में बेसिक क्या होगा, सपोज ये लैंड है, ये वाटर सरफेस है, ये लैंड, ये वाटर बॉडी। अब देखिए लैंड में कौन सा इकोसिस्टम होगा, लैंड का बेसिक बताइए। लैंड में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, लैंड में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि वाटर बॉडी में एक्वाटिक इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो टेरेस्ट्रियल जो होंगे, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जितने भी होंगे, फिशेस या प्लैंकटंस या जू प्लैंकटंस या माइक्रोब्स, वो सब इस जगह पे आएंगे, मतलब शैलो रीजन पर, वे सब इस शैलो रीजन पर आएंगे, छिछले क्षेत्र में आएंगे। और इसी छिछले क्षेत्र में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से सारे जानवर आएंगे पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग पर्पस पे यहाँ आएंगे। तो इकोटोन का मतलब क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है, ये जो जगह जहाँ पे कोलिजन हो रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो पॉइंट को इकोटोन कह रहा है, जोन ऑफ जंक्शन। तो यहाँ पे टेंशन होता है इकोटोन में, याद रखिएगा, यहाँ टेंशन होता है, इस जगह पे टेंशन क्रिएट होता है। ये सारे वर्ड को थोड़ा आपको याद रखिएगा, ठीक है? ये यहाँ टेंशन, तो इसको टेंशन जोन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट इको टोन के बाद अपना जो टॉपिक आएगा वो नीच हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होगा लिख लीजिए, नीच इज अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पेसीज इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम, ठीक है? यूनिक
फंक्शनल रोल, ईच क्या है, यूनिक फंक्शनल रोल, ठीक है, इसको स्लैश देकर लिख सकते हैं, प्लेस ऑफ अ स्पेशीज इन एनी सिस्टम, फिर से डिस्कस रिपीट करते रहे, नीच क्या क्या होगा, इट इज़ अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ स्पेशीज इन एन इकोसिस्टम। इन नीच वी विल डिस्कस ऑल द बायोलॉजिकल, इन नीच वी विल डिस्कस ऑल द बायोलॉजिकल, इसको लिखते जाइए, इन नीच वी डिस्कस ऑल द बायोलॉजिकल प्लस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर दैट अ स्पेशीज नीड टू सर्वाइव। आप जो कोई भी अभी जुड़ रहे हैं इस लाइव क्लासेस में, आप सभी का स्वागत है। चलिए नेक्स्ट, तो नीच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आप बेसिक समझें, जैसे एक एग्जांपल लेकर दे समझ सकते हैं, यहाँ पे आप में से जो कोई भी अभी जुड़े हुए हैं, या आप बता सकते हैं कि आप लोग कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं, या तो पर्टिकुलर, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ए पर्सन है, इसका नेटिव प्लेस क्या है, आप इसको कोट्टायम भी आप समझ सकते हैं, केरला में एक शहर है कोट्टायम, ए वहाँ पे रहता है, जबकि बी का नेटिव प्लेस क्या है, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश का नहीं, ये आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना में ये एक शहर है सिकंदराबाद। सो कोट्टायम और सिकंदराबाद ये दो शहर हैं, इस दो शहर में अगर हम बात करें तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो स्पेशीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और जो स्पेशीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दोनों के नीचे इसमें डिफरेंस होंगे, कैसे डिफरेंस होंगे, और जो इसमें से ए बी सी लीजिए तो एक सी को भी हम लिख देते लद्दाख। अब लद्दाख में कोई अगर रह रहा है तो यहाँ के स्पेशीज़ का जो नीच होगा वो डिफरेंस होगा, मतलब बाकी दो के मुकाबले, कैसे, टेम्परेचर फैक्टर करेगा, ह्यूमिडिटी फैक्टर करेगा, फ्लोरल जो वहाँ पे एग्जिस्टेंस है उसका असर होगा, सैंड का, सॉयल का, एयर का जो करंट है उसका, ऐसे माइनर छोटे छोटे ना जाने कितने पॉइंट्स होते हैं जिससे एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में वेरिएशंस पैदा होते हैं। तो कोट्टायम का जो नीच है वो अलग है, और वो अलग होने के कारण वहाँ के वो स्पेशीज़ उस चीज़ को अडॉप्ट कर रही हैं, अडॉप्ट करके अपने आप को उसी हिसाब से सर्वाइव कर रही हैं उसी इन्वायरमेंट में, जबकि लद्दाख की स्पेशीज़ वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से -2, -10 वहाँ के लिए तो कॉमन है, तो वो उस चीज़ को फेस आउट करती है। अब लद्दाख वाला स्पेशीज़ जिस नीच में रह रहा है, लद्दाख के नीच में जो रह रहा है, यूनिक फंक्शनल रोड में जो रह रहा है, उसको उठा करके कोट्टायम में रख दीजिएगा, वो एकदम पूरा एवरग्रीन वाला इलाका है। कोट्टायम ऑब्वियसली ट्रॉपिक इलाके में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एवरग्रीन वहाँ पे आपको सीन सीनरी देखने को मिलेगा जो इक्वेटर के पास पास का इन्वायरमेंट होता है, और वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक्सेस ह्यूमिडिटी होता है, इतना ह्यूमिडिटी होगा कि शायद बायोलॉजिकल चेंजेस शरीर में बहुत देखने को मिले, इंसान एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सिकंदराबाद में जो सर्वाइव कर रहा है उसको उठा करके आप नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में रख दीजिए या उसको वहाँ बोलिए, तो यहाँ एक थोड़ा सा फैक्टर इम्पॉर्टेंस यहाँ रखता है। तो नीच के बारे में यही है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक तो हो गया, इसके टाइप्स क्यों लिखवा देते हैं, नीच के टाइप्स जो होंगे उसको लिख लीजिए आप लोग। इसके टाइप्स में फर्स्ट होगा हैबिटेट नीच, सेकंड फूड नीच,
थर्ड रिप्रोडक्टिव नीड, फोर्थ फिजिकल प्लस केमिकल, ओके ये तो बेसिक टाइप हो गए, इसको भी नोट डाउन करना है। देखिए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको सारा यहाँ पे टॉपिक को बताया जा रहा है। बेहतर यही होगा कि ध्यान लगाकर इसको समझें और पढ़ें। सारे फंडामेंटल कोर कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं और जिनका पढ़ा हुआ है वे इससे रिविज़न अपना कर सकते हैं। सो नीच के इतने सारे टाइप्स है, उसमें से हैबिटेट नीच क्या कहता है? हैबिटेट का मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोट्टायम के इंसान को अगर लद्दाख में आप ले करके रख दें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोट्टायम वाला जो इंसान है, पर्सन ए है, वो पर्सन सी के इन्वायरमेंट को कभी सर्वाइव, क्योंकि हैबिटेट तो अलग है ना, ठीक है। इंसान के परवरिश जो उस इन्वायरमेंट में एवरग्रीन इन्वायरमेंट में हुए हैं वो कभी भी टुंड्रा, लद्दाख एकदम टुंड्रा वाला सिचुएशन पे, हाई एल्टीट्यूड के कारण टुंड्रा वहाँ पे है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। हैबिटेट का ये है जहाँ पे वो पर्टिकुलर इंसान रह रहा है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हर एक का हैबिटेट का अलग अलग वेरिएशन है। फूड नीश, अब देखिए कोट्टायम के इंसान जो खाएगा लद्दाख वाला नहीं खाएगा, उसको दिया भी जाएगा तो भी वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। अब बेसिक चीज़ क्या है, कुछ जो बंगाल के लोग होंगे, जो साउथ के लोग होंगे, ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा और देखिएगा, कभी ऑब्जर्व जो जाएंगे उस एरिया में तो वो बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। खास करके बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, तमिलनाडु के लोग, ये जितने भी कोस्टल लाइन में जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, ये सब राइस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। लेकिन वही राइस लद्दाख के लोगों को बोला जाए, कश्मीर के लोगों को बोला जाए, पंजाब के लोगों को बोला जाए, एक तो वहाँ पर राइस का कल्टिवेशन होता नहीं है, इन्वायरमेंट है नहीं, दूसरा चीज़ है वे लोग वहाँ पे उस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम कर भी नहीं सकता, ठीक है। सो इन्वायरमेंट अलग है, इन्वायरमेंट अलग है। तो कोस्टल लाइन, इंडिया के कोस्टल लाइन में अगर हम फूड नीच की बात करें तो वहाँ के सभी स्टेट्स में दिन के तीन पहर लोग चावल को कंज्यूम करते हैं अपने मील में, बट लद्दाख के लोग ऐसा नहीं करते। वे लोग फ्लोर, जितने भी होल ग्रेन फ्लोर होते हैं, वीट का हो गया, बाजरा का हो गया, कॉर्न का हो गया, वे लोग कंज्यूम करते हैं। तो फूड नीच अलग अलग, एक सिंपल से इस पर हम आपको समझाएं। रिप्रोडक्टिव नीच, अब रिप्रोडक्टिव भी यहाँ पे अलग होगा, जो रिप्रोडक्शन का फेज़ जो है जो लद्दाख के लोगों का होगा वो कोट्टायम में अलग होगा, सिकंदराबाद का अलग होगा, ठीक है। एक बेसिक चीज़ ये है, अभी आप लोग को शायद ये पता है या नहीं पता है, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके फैमिली में कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में सेटल होंगे या कोई यूरोप के कोई ईस्टर्न पार्ट में उनके फैमिली के कोई मेम्बर स्टडी करने के लिए गए होंगे या वहाँ बिजनेस करते होंगे। सो इस मैटर में क्या है, अगर आप यूरोप के ईस्टर्न कंट्रीज़ में या नॉर्दर्न यूरोप में अगर आप जाते हैं, वहाँ की सरकार आपको इनवाइट करती है कि आप वहाँ पे जाके सिटीजनशिप्स लेकर के आप वहाँ पे रहें। सेम ऑस्ट्रेलिया में भी है, क्यों? वहाँ का रिप्रोडक्टिव नीच कम है, रिप्रोडक्शन वहाँ पे पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से देखिए डेंसिटी बहुत कम है। अब वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये चीज़ आप समझिए। अब वही चीज़ ट्रॉपिकल, सबसे बड़ा बात क्या है, इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा क्यों है? ये लोगों का दिक्कत नहीं है, लोग यहाँ जो है वो दुनिया के हर कोने में वैसे ही लोग हैं। प्रॉब्लम क्या है, इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये थोड़ा सा फैक्टर रखता है। क्योंकि देखिएगा जो कंट्री ट्रॉपिक बेल्ट में होगा पॉपुलेशन वहाँ पे डेंस आपको पाया जाएगा। आप नोटिस करिए, कभी हम कोशिश करेंगे आने वाले कुछ समय में पर्टिकुलर एक मैप का सेशन हम रखेंगे, पूरे विश्व को, संपूर्ण विश्व को आपको समझाएंगे हम, विद इन अ टू वन या टू डेज का पूरा सेशन रखेंगे और कंप्लीट मैप को समझेंगे। क्योंकि देखिए ओवरऑल क्या है, जीएस तभी आपको समझ में आएगा जिसके दिमाग में पूरा, अब सीधी सी बात है, आप जिस इलाके में रह रहे हैं अगर आपको इलाके का चप्पा चप्पा अगर पता है
तो आपको उस इलाके में कोई वर्क करने में दिक्कत नहीं होगा, सर्विस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। वैसे ये जीएस अगर आप पढ़ रहे हैं तो जीएस के लिए बेसिक चीज़ है, आपको कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़िए, मैप का जरूरत है वहाँ पर। सो वही है, तो रिप्रोडक्टिव का मैंने बताया, फिजिकल एंड केमिकल नीच। फिजिकल एंड केमिकल नीच में क्या हो जाएगा, इसमें जितने भी अदर जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, सॉयल मिनरल्स का ये सब यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। सॉयल मिनरल्स का यहाँ पे लिख लीजिएगा एग्जांपल, अगर किसको लिखना हो तो। हर जगह का फिजिकल केमिकल में क्या है, केमिकल में जो सॉयल की प्रॉपर्टी होती है, और स्पेशली अगर हम बात करें मिनरल्स का, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाई इनरिच मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा इंडो गैंगेटिक रीजन में, सबसे हाई इनरिच वहाँ पर इंडो गैंगेटिक रीजन में, ब्रह्मपुत्र जो आपका बेसिन है वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और लोएस्ट अगर आपको देखना है तो आप चले जाइए लद्दाख वाले रीजन पे, माउंटेनियस पूरा रिगोडियस वो पूरा जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कम मिलेगा। सो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, तो फिजिकल केमिकल फैक्टर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। चलिए, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब यहाँ तक होने के बाद अपना नेक्स्ट जो डिस्कशन हम लोग करेंगे वो बायोम के ऊपर होगा, ठीक है। सो बायोम का क्या है, हल्का फुल्का डिस्कशन करके जो इसका टेबल है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ बायोम। बायोम लास्ट अपना टॉपिक आज का जो है वो है बायोम, बायोम क्या है। तो बायोम को समझना है तो एक चीज़ हम आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू पे हम समझा रहे हैं, ये क्या है मान के चलिए, लिथोस्फीयर। इसी लिथोस्फीयर पे क्या है, घर है, जानवर है, ह्यूमन है, ह्यूमन है, माउंटेन है, रिवर है, ठीक है, वाटर बॉडी है, इसी में सब वाटर बॉडी है। इस लिथोस्फीयर में तो ये सब चीज है, जबकि इसके ठीक ऊपर एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फीयर वाला हिस्सा है, तो बायोम क्या है, वो पूरा हिस्सा लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर का पूरा हिस्सा मिला करके, ठीक है, लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर का पूरा हिस्सा मिला करके वो पार्ट जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। बायोम का मतलब क्या है, वो कंपाइल, यहाँ पे ये दोनों पार्ट को कंपाइल करके अगर हम समझें, सो एटमॉस्फेयर के बिना ट्रोपोस्फेयर, मतलब ट्रोपोस्फेयर बोल रहे हैं, लिथोस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो पेड़ कहाँ से आएगा, पेड़ नहीं आएगा तो फिर सॉइल कहाँ से बनेगा, रिवर कहाँ से आएगा, ग्लेशियर कहाँ दिखेंगे, हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ होगा। एटमॉस्फेयर है तो लिथोस्फेयर में जितने भी आपको स्ट्रक्चर, रिलीफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो सब हैं, तो इन दोनों का जो कंपाइलेशन जो है उसी को बायोम कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर इज डिविजिबल इंटू इनॉर्मस रीजन विच इज़ नोन एज बायोम। अब यही बायोम का डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, बायोम आपने समझ लिया, इस कंपाइल दोनों को करके समझाया जा रहा है। बायोम और बायोस्फीयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बायोस्फीयर भी इसी को कहते हैं, लेकिन बायोम में इसमें डिफरेंट पार्ट। अब यही चीज़ अगर हम बात कर रहे हैं टुंड्रा इलाके का, यही ज़मीन है, यही पहाड़ है, एटमोसफियर वहाँ का टुंड्रा टाइप का है, तो वो टुंड्रा बायोम हो जाएगा। यही चीज़ अगर एवरग्रीन का बात कर रहे थे, एवरग्रीन में बायोम हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इंटू इनॉर्मस रीजन कॉल्ड बायोम, ठीक है। इसके कुछ नाम को लिखवाते हुए आज का सेशन ख़त्म कर देंगे हम लोग। लास्ट जो है जितने भी बायोम्स के नेम हैं, फर्स्ट टुंड्रा, टुंड्रा बायोम,
सेकंड टाइगर बायो, थर्ड टेम्परेट डीसी, डीसी डीओएस बायो, एवरग्रीन एवरग्रीन स्लैश देकर लिख लीजिएगा ट्रॉपिक, रेन फॉरेस्ट बायो, फिफ्थ सवाना बायो, सिक्स ग्रासलैंड बायो, सेवेंथ डेजर्ट बायो। ठीक है, ये सेवेंथ तक टोटल टॉपिक है, जबकि एक्वेटिक का वो डिवीजन थोड़ा सा अलग किया गया है। टेरेस्ट्रियल बायोम ये सारे जो हैं ये सब टेरेस्ट्रियल बायोम, टुंड्रा टाइगर टेम्परेट डेसर्ट्स एवरग्रीन ट्रॉपिकल सावाना ग्रासलैंड डेजर्ट, ये सब टेरेस्ट्रियल बायोम, जबकि एक्वेटिक का अलग है। एक्वेटिक बायोम का तीन है मेजर सेक्शन, एक्वेटिक बायो में तीन मेजर सेक्शन है, फ्रेश वाटर बायोम या इकोसिस्टम, मेराइन इकोसिस्टम, थर्ड एस्चुरीज, फोर्थ कोरल, फिफ्थ मैंग्रोव्स। तो एक्वेटिक अलग है, टेरेस्ट्रियल अलग है, इसका फर्दर डिस्कशन अपने आने वाले अपकमिंग क्लास में होगा। आई होप आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा, कोई क्वेरी होगा, कोई डाउट होगा, आप लोग मेल कर सकते हैं, और उस मेल का कोशिश हर संभव कोशिश किया जाएगा जवाब देने का। और आप सभी से अनुरोध यही है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लाइव सेशन अब चल रहे हैं, शुरुआत हो चुके हैं, रिपीट हम बार बार कहेंगे कि आप सभी का कोऑपरेशन चाहिए। जितने आप लोग जुड़ेंगे, जितने आप सभी का कोऑपरेशन उन तक पहुँचेगा, हम लोग इससे बेहतर से बेहतर आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को तैयार करेंगे। सो मिलते हैं अपने अपकमिंग क्लास कल, सेम जो टाइम पीरियड है सेम रहेगा। कल आफ्टरनून में करेंट अफेयर सेशन है, आप सभी भूले नहीं, करेंट अफेयर सेशन 1 PM से चल रहा है, जबकि 5:30 इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर कल से हम लोग शुरू करेंगे, वो सरप्राइज़ है, कल से नया चैप्टर शुरू होगा। गवर्नेंस आज कंप्लीट हो चुका है, और इकोलॉजी इन्वायरमेंट आपका तो 10:30 से स्टार्ट हो ही चुका है। सो फिर से रिपीट हम करेंगे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस के बारे में आप जनहित तक इस बात को पहुँचाएँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके हमारे इंस्पिरेशन को और मजबूत करें। तो आने वाले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक कोई भी क्वेरी रहेगा आप हमें मेल करके उसका क्वेश्चन आप पूछ करके आप अपना आंसर ले। सो फॉर टिल देन।